अपने विवादित बयान के लिए चर्चा में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उनके बयान पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अंदर बवाल मच गया है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा है कि वह प्रज्ञा ठाकुर को समझा दे। प्रज्ञा ठाकुर उन्हें शूद्र और आतंकवादी का फर्क ना बताए। प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को भोपाल के पास शिहोर में क्षत्रिय समाज के एक कार्यक्रम में कहा था कि वे क्षत्रिय को क्षत्रिय कहने पर बुरा नहीं मानते, इसी तरह ब्राह्मण तथा वैश्य को वैश्य कहने पर बुरा नहीं मानते, पर शूद्र को शूद्र कहने पर बुरा मान जाते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने पूछा है आखिर इसका क्या कारण है, उन्हें ना समझी है इसलिए वह समझ नहीं पाते। इस बयान को लेकर प्रज्ञा ठाकुर पूरे देश में आलोचना की शिकार हो गई हैं। विपक्ष इसे बीजेपी की मानसिकता बताकर हमलावर है। बिहार में एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी भी इससे भड़के हुए हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा से आग्रह किया है कि वे अपनी बरबोली सांसद प्रज्ञा ठाकुर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के अपमानित नहीं करना चाहिए था। प्रज्ञा ठाकुर हमें ना बताएं कि कौन शूद्र है और कौन आतंकवादी। मांझी ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान के लिए देश के दलितों से माफी मांगे। वे हमेशा दलितों को अपमानित करने वाला बयान देती हैं।